Hello everybody, welcome to our YouTube channel, My Gurukul, myself Shruti Vipane and ये हमारी video series है जो हम Ctet के लिए upload कर रहे हैं for those who are preparing for Ctet paper 1, this is for them and इसमें हमने EVS के सारे topics को cover किया है जो कि हम कुछ video series में खत्म कर देंगे हम ये सारे topics को तो ये है पार्ट 3. अगर आपने पिछले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके Ctet वीडियो प्लेलिस्ट पे करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही समराइज शॉर्ट हैंड रिटन फॉर्म है जो कि Ctet के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा आज का टॉपिक है उसी सीरीज का ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापायान जिसे बोलते हैं हिंदी में तो चलिए जान लेते हैं क्या ये ग्लोबल वार्मिंग कैसे काउज होता है और इसके क्या-क्या प्रभाव होते हैं इफेक्ट क्या-क्या हैं तो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है 1861 से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1.4 डिग्री सी बढ़ चुका है यह तापमान अनियमित तरीके से बढ़ा है कुछ स्थलों पर का तापमान अधिक बढ़ा है तो कुछ स्थलों के तापमान में पर्याप्त गिरावट आई है ग्लोबल वार्मिंग का कारण आधुनिक जीवन शैली है 1780 से ही औद्योगिक क्रांति की प्रारंभ हुआ था और हस्तनिर्मित उत्पादों के स्थान पर मशीन निर्मित उत्पादनों ने इसका स्थान ले लिया था तो जो वहां पे हस्तनिर्मित मतलब हाथों हैंडमेड चीजें यूज होती थी तो वहां पे मशीन से बनी हुई चीजें यूज होने लगी और इसी से क्या हो गया कि वहां पे अंधाधुंध जिसे कि प्राकृतिक संसाधनों का और जनसंख्या में 7 गुना वृद्धि हुई तो जनसंख्या पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गई और मशीन निर्मित चीजें जो है वो क्योंकि वो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था हाथ से बनाने में कोई चीज को बहुत सारा समय लगता था लेकिन मशीन से क्या हो गया कि बहुत जल्दी-जल्दी बहुत सारी चीजें तैयार होने लग गई और जनसंख्या भी 7 गुना तेजी से अधिक बढ़ गई अब इससे क्या हो गया कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन प्रारंभ हो गया ग्लोबल वार्मिंग के लिए यही उत्तरदायी कारण है दरअसल पृथ्वी के चारों ओर अभी जो हमने पढ़ा ये सारी चीजें तो एग्जाम में नहीं आती है आपको एक डिस्क्रिप्टिव नहीं लेकिन आपको एक बेस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कारण क्या है ग्लोबल वार्मिंग का तभी आप ग्लोबल वार्मिंग को सही तरह से समझ पाएंगे दरअसल पृथ्वी के चारों ओर 1200 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का एक आवरण है तो ये पॉइंट है आपका याद रखने लायक 1200 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का आवरण है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं ये गैसें सूर्य तप के एक भाग को रोक लेती है जिससे पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जाता है कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में 60% तथा मीथेन 25% उत्तरदायी है 1970 के दशक में सर्वप्रथम वालेस स्मिथ ब्रोएकर ने ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग किया था ग्लोबल वार्मिंग के लिए 5 गैसें उत्तरदायी है जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं वो कौन-कौन सी गैसें हैं तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मीथेन CH4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नाइट्रस ऑक्साइड HNO3 ओजोन तो ये सारे 5 गैसें जो है जो उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जल वाष्प भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी इन सब के अलावा वाटर वेपर है वो भी उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जैविक ईंधनों में लकड़ी कोयला आदि के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है जैसे अगर हम बायोफ्यूल्स यूज करते हैं तो उनके जब भी उनको जलाते हैं तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं मार्स गैस क्यों कहते हैं मैं थोड़ा सा ये बता दूं आपको कि मार्स का मतलब होता है कीचड़ तो ये गैस कीचड़ में पैदा होती है तो गंदगी में पैदा होती है इसलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं ये धान के खेत में कोयले की खदानों और दलदली इलाकों में पाई जाती है नाइट्रोजनस उर्वरक का उपयोग बिजली चमकने से नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होता है रेफ्रिजरेशन और क्लोरीनेशन में क्लोरीन का प्रयोग होता है स्प्रे और फोम बनाने में फ्लोरीन का इस्तेमाल होता है और जैविक ईंधनों के दहन से कार्बन मुक्त होता है ये तीनों मिलकर क्या होता है कार्बन फ्लोरोकार्बन नामक यौगिक बना लेते हैं तो क्लोरीन प्लस कार्बन ये तीनों मिलकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाते हैं जो कि बहुत ही जहरीली गैस है और
हरित गैस का प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह से काम करता है, तो हरित गैस का प्रभाव एक प्रयोग पर आधारित है जिसमें एक उष्णकटिबंधीय पौधा शीशे के जार में शीत कटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता है। शीशे का जार सूर्य की ऊष्मा का एक भाग भीतर ही रोक लेता है जिससे जार के भीतर तापमान उस कटिबंधीय क्षेत्र के बराबर ही हो जाता है। पृथ्वी गैसों के आवरण के कारण शीशे के जार जैसा ही व्यवहार करती है। जैसे जैसे गैसों का आवरण घना हो रहा है पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है जिससे कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ये ग्लेशियर्स विश्व की अनेक बड़ी नदियों के जल के स्रोत हैं। तो विश्व का 70% जल दोनों ध्रुवों के पास है। ध्रुवों के पिघलने से यह शुद्ध जल क्या होगा, समुद्र में मिल जाएगा जिससे कि पानी की बहुत कमी हो सकती है। दोनों ध्रुवों के पिघलने से अनेक तटबंधीय एवं निचले क्षेत्रों में डूबने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इस दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील 27 देश हैं, जो कौन कौन हैं, तो बांग्लादेश, मिस्र, इजिप्ट, थाईलैंड, चीन, इंडोनेशिया और भारत। तो इसमें भारत भी है। इसके अलावा अगर बात करेंगे कार्बन टैक्स की, तो कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए यह टैक्स आरोपित किया जाता है। सर्वप्रथम 1990 में फिनलैंड ने कार्बन टैक्स लगाया था। ऑस्ट्रेलिया ने अपने 300 उद्यमों पर कार्बन टैक्स लगाया है। कार्बन फुटप्रिंट, प्रति इकाई कार्बन ऑक्साइड के उत्सर्जन को कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। कार्बन सिंक, वनस्पतियों को प्राकृतिक रूप से कार्बन सिंक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है तथा जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन मुक्त करती है। क्योटो प्रोटोकॉल, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पर विचार करने के लिए क्योटो जापान में दिसंबर 1997 में 150 देशों 150 देशों का सम्मेलन हुआ जिसमें 2010 तक 1990 के कार्बन उत्सर्जन स्तर से 5% तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। विकासशील देशों को कार्बन की कटौती में छूट दी गई। इस समझौते पर 141 देशों ने हस्ताक्षर किए। 53 देशों के अनुमोदन के साथ ही 16 फरवरी 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल लागू कर दिया गया है। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की संसद ने इसका अनुमोदन करने से इनकार कर दिया। यहाँ पे एनेक्सर वन है कि नाम से पहचान रखने वाले 40 विकसित देश भी इन प्रावधानों से संतुष्ट नहीं हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 6 गैसों को ग्रीन हाउस गैसों का दर्जा दिया गया है। वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड। यूरो मानक के तहत वाहनों से उत्सर्जन होने वाले निम्न पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स लाइक SPM। इन उद्देश्यों को यूरो 1, 2, 3 और 4 मानक लागू किए गए हैं। 1 अप्रैल 2010 से भारत के 11 शहरों में यूरो 4 मानक लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा। GDP, ग्रीन GDP तथा ग्रीन अकाउंटिंग, ये क्या है, चलिए इसे जान लेते हैं। पर्यावरण क्षति को ध्यान में रखते हुए GDP का आकलन करना ग्रीन GDP कहलाता है। इस प्रकार से अकाउंट तैयार करना ग्रीन अकाउंटिंग कहलाती है। और पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसे COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 195 देशों ने भाग लिया तथा ग्लोबल वार्मिंग में 2 डिग्री सी की कमी लाने का निर्णय किया। इसके लिए विभिन्न देशों द्वारा 2030 तक 30% तक CO2 उत्सर्जन में कमी करने की घोषणा की गई है। कार्बन उत्सर्जन के आधार पर विभिन्न देशों की स्थिति, चीन, USA, यूरोपीय यूनियन, 20 देशों का समूह, भारत, रूस और जापान है। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का 3rd पार्ट AVS की वीडियो सीरीज़ का। तो अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की वीडियोस को भविष्य में देखने के लिए। बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। एट लास्ट, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।